क्या चीज का क्लास है यहाँ पे? यहाँ पे सीटेट का केवीएस एस्टेट बीटेक। अंकित मान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यह सत्य तो है। डर नहीं लगेगा? नहीं, क्यों? और आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी चल रही है। 6 वर्ष की वास्ता को क्या है? प्रीदर। हम आए हुए हैं एक ऐसे संस्था है जो कि सचमुच में यह संस्था कैसी संस्था है, मैं पहले बातचीत करूंगा इनसे। लेकिन हम रास्ते में जा रहे थे तो देखे कि यहाँ पे एक क्लास चल रहा है। अब कैसा क्लास है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर ले। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर के पास, जो कि सर दिखे हैं, तो हम इनसे पहले बात करते हैं कि इस संस्था का नाम क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर, नाम है करिंदा सर। करिंदर सर हैं। सर, यह क्या चीज़ का क्लास है यहाँ पे? यहाँ पे सीटेट का केवीएस एसटेट बीटेट। ओ, सीटेट का क्लास चल रहा है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थी हैं। सर का विद्यार्थी है और भावी शिक्षक और शिक्षिका भी है, तो मैं इन लोगों से भी बातचीत करूँगा। तो सर, सबसे पहले आप यहाँ कब से बैच चला रहे हैं? यहाँ बैच लगभग हुआ 3 माह से शुरू किए हुए। ये जो है सर से हमने एक लिया, या क्या है सर, ये प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट पे लिखा हुआ है केपी सक्सेस सीटेट क्लास ए स्टेट केवीएस और बी टेट। और यहाँ पे नाम सर का दर्ज है करिंदर सर, और मोबाइल नंबर भी है इनका, बाद में हम दे देंगे वीडियो को अंत में। लेकिन आप यहाँ पे सर प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। और सर, जो यहाँ केवीएस का भी जो तुरंत वैकेंसी आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका बैच हम जनवरी से शुरू करेंगे। जी जी, जनवरी से शुरू होगा। एस्टेट भी आने वाला है, तो एस्टेट का भी हम बैच आप जनवरी से लगभग में शुरू कर दिया जाएगा। तो सी टेट का रिजल्ट बच्चे का कैसा आएगा, उसके बाद तो बच्चे आपके निकट आएंगे? एकदम कन्फर्म है, सब बच्चा पास में आएगा और सबका रिजल्ट आएगा। एकदम गारंटी है, कंफर्म हम है। चलिए, तो हम बच्चे से ही पूछते हैं। सर बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, तो मैं इन्हीं लोगों से आज सवाल जवाब करते हैं, देखते हैं कैसा तैयारी है और कैसी तैयारियां चल रहा है। बहुत कम दिन बचा हुआ है, कम दिनों में और कैसी तैयारी है इन लोगों के पास। तो आते हैं, सबसे पहले आपके नाम क्या है? निशा कुमारी। निशा कुमारी, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट का। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। कितना नंबर का एग्जाम होता है? 90+। नहीं, 80+ में रहता है, ये 150 का होता है 90+। अच्छा अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए जी। अच्छा अच्छा, तो आप अभी क्या प्रैक्टिस सेट क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस सेट हो रहा है, रिवाइज। ओ, प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे रिवाइज कर रहे थे। और एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बच्चा का, और समझिए कि बहुत क्षणिक समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का, कैसी तैयारी है। तो हम आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं। तो हम इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब आप एक शिक्षिका बनिएगा ना। जब शिक्षिका आप बनिएगा तो फिर बच्चे को प्रेजेंटेशन दीजिएगा बोर्ड पर, तो क्या बच्चे से आपको डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, एकदम पक्का? नहीं ना डरिएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपसे पहला कि हाथी का आयु कितना वर्ष होता है? 70 वर्ष। ओ, हाथी की उम्र या आयु 70 वर्ष होता है। तो यह तो ईवीएस का था, लेकिन एक चीज़ और हमको बता दीजिए आप कि जो बाघ होता है उसका आयु कितना है? बाघ का 24 होता है, 26 होता है, 26। चलिए, बाघ का 26 होता है। और यहाँ पे बैठे हुए कुछ और विद्यार्थी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपकी नाम क्या है? अनुपम कुमारी। अनुपम जी मेरे साथ है और हम इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि सीटेट से संबंधित है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, चलिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था ना। चलिए, उसके बाद हम आपसे एक सवाल और करते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डन ने। हार्वर्ड गार्डन ने। तो आप देख रहे हैं बच्चे में जो कॉन्फिडेंस है वह काफी देखने को मिल रहा है, और बच्चे उत्साहित भी है कि बहुत जल्दी एग्जाम ले लिया जाए। यह जो है केपी सक्सेस सीटेट क्लास का
मतलब तैयारियां कराया गया है यहाँ पे, जो कराई गई है तैयारी यहाँ पे, और कुछ लोग हैं मैं उनसे चर्चा करता हूँ। और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी दिख रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपकी नाम क्या है? प्रियदर्शनी जी है। और कैसी तैयारी है? अच्छी चल रही है। तो 150 एग्ज़ाम, जो 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कितना नंबर आता है अटेम्प्ट करने के बाद? सर तो अभी 120 का ले रहे हैं। 120 का? हाँ। 120 में कितना आता है? 100+ आ जाता है। 100+ आ जाता है। हाँ। लगता है कि इस बार क्वालिफाई हो जाएगी? बिल्कुल कंफर्म है। हाँ हाँ जरूर कंफर्म है। चलिए और कुछ लोगों से हम पूछते हैं। हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार जी। तो आप बताइए कि आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? जी जरूर पूछिए। कौन सा सब्जेक्ट से पूछें? सीडीपी से। अथी ईवीएस से नहीं पूछ सकते? पूछिए उसे। पूछ सकते हैं। मैथ से नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। चलिए अंकित मान क्या होता है? फेस वैल्यू। हाँ क्या होता उसमें है? हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओह अंकित मान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यह सत्य है कि असत है? सत्य है। सत्य है। चलिए बहुत अच्छा। स्थानीय मान को चेंज कर सकते हैं? हाँ स्थानीय मान को चेंज कर सकते हैं, यानी स्थानीय जो लोग बसे हुए होते हैं वह कहीं अपना जगह बदल सकता है, लेकिन जो अंकित होता है समझिए वही ठहरा हुआ होता है, जो कि वहाँ से वो अपना रूप रेखा बदल नहीं सकता है। चलिए तो आपसे एक सीडीपी से क्वेश्चन है। बहुबुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? बीने ने दिया था। चलिए बहुत अच्छा। और एक महोदय यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार जी हैं। तो आप सीटेट का एग्ज़ाम कितना बार दिए हैं? ये पहला बार दे रहे हैं। ओ पहले बार दे रहे हैं और पहले बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो क्या आप कंप्यूटर के पास बैठिएगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं क्यों डर लगेगा, डर नहीं लगेगा? हुआ हैबिट हो गया हुआ है ऐसा लग रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम कभी देवे नहीं किए, आप दे रहे हैं तो और चीज़ का भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं? बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि ईवीएस से होगा। तो ईवीएस से पहला क्वेश्चन इनसे है कि 360 से 70 डिग्री में अपना गर्दन को कौन उल्लू घुमा लेता है? बिल्कुल ना। अब मानव की तरह सामने दिखने वाला कौन सा? उल्लू ही है। चलिए देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां है, तो हम इन लोगों से कुछ और बातचीत करते हैं। और विद्यार्थी यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी नाम क्या है? ज्योति। चलिए हमारे पास जो हम चर्चा करने आए हैं वह ब्यूटी जी हैं। और आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी चल रही है। तैयारियाँ अच्छी चल रही है ना? चलिए बहुत अच्छा है, हमें भी खुशी हो रहा है। हम बहुत सारे संस्था के पास गए हैं लेकिन इस तरह का बच्चे में बहुत जगह गए हैं जो कि जहाँ तहाँ हिजिटेशन था, लेकिन यहाँ है तो बच्चे में कोई भी हिजिटेशन नहीं है। जिससे हमको मन कर रहा है उससे हम यहाँ अपना जो रियली बता रहे हैं। बहुत लोग होते हैं संस्था में जाते हैं वहाँ मना करता है कि आप इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको खुला मौका मिला है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारियाँ है। तो यहाँ पे हमारे साथ आपकी नाम जो बताया है ब्यूटी जी हैं। तो ब्यूटी जी से कुछ सवाल कर लेते हैं। तो ब्यूटी जी आपसे कुछ पूछेंगे तो कोई दिक्कत? एक बिल्ली पिंजरे में रहता है जी। और उसको बार बार खुलने का प्रयास करता है जी। तो उसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? जो मान लिए कि हम किसी अभ्यास का नियम को किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि। अच्छा थॉर्नडाइक ने दिया था। हाँ थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है बोलिए आप। और एक चीज़ और हम दिखाते हैं, इस क्वेश्चन में सर का नंबर दिया हुआ है, वह नंबर दे देते हैं। और केवीएस का तैयारी आप करना चाहते हैं तो केवीएस की तैयारियाँ बहुत अच्छी कराई जाएगी। यहाँ पे सर का नंबर है 9546028362। तो आप आकर, और यह भामा सदवार के निकट है, आप आकर और तैयारियां अच्छा करिए और अपने उज्जवल भविष्य का कामना करिए। यहाँ से आकर आपके भविष्य का चिंता सर के पास भी है और आप खुद भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।